आज सावन के सातवें दिन आपको लेकर चलेंगे महादेव के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जिसकी स्थापना श्री प्रभु राम ने अपने हाथों से की थी। भोले बाबा का ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों और भारत के 4 धामों में से एक है। दुनिया भर से लोग सब मोह माया त्याग कर यहाँ शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। हर हर महादेव, मैं शिखा आज आपको लेकर चलेंगे रामेश्वरम मंदिर की यात्रा पर। रामेश्वरम में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। रामेश्वरम एक प्रसिद्ध शहर है जो मुन्नार की खाड़ियों में स्थित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। हर बड़े शहर से यहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर आपको अपने शहर से सीधी ट्रेन ना मिले तो आप मदुरै जंक्शन आ सकते हैं। यहाँ से रामेश्वरम करीब 170 किलोमीटर दूर है। मदुरै से रामेश्वरम के लिए आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों बस मिल जाती हैं, जिसका किराया लगभग 300 रुपए पर पर्सन पड़ता है। रामेश्वरम का करीबी एयरपोर्ट मदुरै में है, जो कि देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको कैब या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। हमारी राय है कि आप मदुरै से रामेश्वरम तक का सफर एक बार ट्रेन से जरूर कीजिएगा, चाहे वो आते वक्त कीजिए या जाते वक्त। इससे आप भारत में बने सबसे लंबे समुद्री रेलवे पुल पम्बन ब्रिज का मजा ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा और मजा आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम अब एक छोटा सा टापू बन गया है जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस टापू का साइज अब एक संघ की तरह दिखता है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया है। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया, जिसे आज पम्बन ब्रिज कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। मंदिर के पास कई सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसका किराया लगभग 500 रुपए से शुरू होता है। जैसे कि देखिए, महेश्वरी भक्त निवास है, इसमें 3 बेड वाले रूम का किराया 600 रुपए दिखा रहा है। तो आपको यहाँ अच्छे और सस्ते कमरे मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप रूम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बजट के अनुसार दूसरे होटल भी ले सकते हैं। अब रहने की व्यवस्था तो हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ दर्शन कैसे करने हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको 100 मीटर की दूरी पर बने अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है। इसके बाद आप चाहें तो परिसर में बने 22 कुंडों में भी स्नान कर सकते हैं, जिसका आपको 25 से 30 रुपए सरकारी शुल्क देना होता है। इन 22 कुंडों में स्नान करने में करीब 40 मिनट लग जाते हैं। यहाँ कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। आपको बता दें, मंदिर परिसर में 2 शिवलिंग है, जिसका एक इतिहास है। दरअसल रावण का वध करने के लिए भगवान राम माँ सीता के साथ यहाँ महादेव की पूजा करना चाहते थे। अब चूंकि यहाँ कोई मंदिर तो था नहीं, इसलिए प्रभु राम ने शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को भेजा। अब हनुमान जी गए हैं तो फिर बात अलग ही होगी। हनुमान जी को थोड़ी देर लग रही थी और पूजा का मुहूर्त भी बीता जा रहा था, तो माँ सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बना दिया और फिर प्रभु राम ने उसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब हनुमान जी अपने शिवलिंग को लेकर पहुंचे, तो दूसरे शिवलिंग को स्थापित देख बड़ा गुस्सा करने लगे और वो ये जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाया हुआ शिवलिंग ही यहाँ स्थापित किया जाए। लेकिन प्रभु राम ने हनुमान जी को समझाया और उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित कर दिया और ये वरदान दिया कि हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा पहले की जाएगी। इसी कारण हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है, उसकी पूजा सबसे पहले की जाती है। तो वहीं माँ सीता के द्वारा बनाए गए शिवलिंग को मुख्य देवता माना गया और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया। आपको बताएं कि भारत का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर यहीं पे है। यहाँ का माहौल और दृश्य बेहद ही सुकून देने वाले होते हैं। श्री रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 150 फुट ऊँचा है। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है और अगर आप मंदिर में कैश या फिर सोना चांदी चढ़ाना चाहते हैं तो उसकी आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन आपको एक रसीद कटा के लेनी होगी, जिससे आपका नाम जो है वो रजिस्टर में दर्ज हो जाए। अगर खाने की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 11 बजे से 3 बजे तक लंगर चलाया जाता है और अगर आप चाहें तो बाहर भी खा सकते हैं। यहाँ आपको 150 रुपए में थाली मिल जाएगी। वैसे तो रामेश्वरम किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय यहाँ नवंबर से मार्च तक का होता है आने के लिए। इसके अलावा अगर आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को देखना चाहते हैं तो इन मौकों पर यहाँ जरूर आएं। जैसे रामेश्वरम में महाशिवरात्रि अद्भुत तरीके से मनाई जाती है। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। इस मंदिर में वसंत उत्सव नामक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो भी 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा थिरुवकल्याणम नामक फेस्टिवल भी रामेश्वरम का एक बड़ा फेस्टिवल है, जो 17 दिनों तक चलता है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती है। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ घूमने वाला क्या क्या है।
पंचमुखी हनुमान मंदिर, नाम्बू नयागी मंदिर, साक्षी हनुमान मंदिर, कोथा नदराम स्वामी मंदिर, अरियामन बीच, पम्मन ब्रिज, अग्नितीर्थम, सी वर्ल्ड एक्वेरियम, यहाँ आप अलग अलग तरह के समुद्री जीव देख सकते हैं। अब्दुल कलाम स्मारक, यहाँ अब्दुल कलाम जी की यादों का भंडार है। धनुषकोडी, बताते हैं कि अंग्रेजों के समय धनुषकोडी बड़ा नगर था, लेकिन 22 दिसंबर 1964 की रात आए भयानक समुद्री तूफान में ये शहर पूरी तरह तबाह हो गया। ये वो जगह है जहाँ दो महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। यहीं पर राम सेतु भी है जिस पर चलकर भगवान राम श्रीलंका गए थे। यहाँ घूमने के लिए 2 दिन काफी होते हैं और इन सब जगहों को घूमने के लिए ऑटो वाले लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए ले लेते हैं। तो चलो अब बजट देख लेते हैं। दिल्ली से 2 लोगों का ट्रेन का आने जाने का किराया 800 × 4 3200 रुपए, धर्मशाला का खर्चा करीब 1000 रुपए, आसपास की जगहों को घूमने का खर्चा 1000 रुपए और खाने पीने का खर्चा करीब 1000 रुपए। तो 2 लोगों का 2 दिन और 1 रात का खर्चा पड़ेगा करीब 6500 रुपए। तो पर पर्सन आपका खर्चा पड़ेगा 3100 रुपए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शिव भक्तों संग ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो प्लीज बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।